हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी टू ई कॉम्पिटिशन टू एजुकेशन। आज का कॉन्टेस्ट अलर्ट है NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज। तो ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से। तो पार्ट है शिक्षक पर सेलिब्रेशन का, जो कि किया जा रहा है 5 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक। कल ही हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया और शिक्षक पर्व अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 सितंबर तक। ये पूरा ड्यूरेशन है जिसमें शिक्षक पर्व सेलिब्रेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अभी अभी लॉन्च की गई है, कुछ दिन पहले ही आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसी को लेकर के टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में और जनरल पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना इस ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन का मेन एम है। तो इस कॉन्टेस्ट में आपको NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद यह नई शिक्षा नीति आई है हमारे देश में। हमारे शिक्षा को, हमारे एजुकेशन के जो प्रोसेस है उसको और अच्छा करने के लिए और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स पे नहीं होता, पूरे देश पे होता है, हर लोगों पे होता है। तो ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स नहीं बल्कि सबको पता होना चाहिए। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं और फिर ये क्विज भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्विज के सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, गाइडलाइंस भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कॉम्पिटिशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्विज, यह क्विज कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 25th October 2020 टिल 11:59 PM। इसमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको 300 सेकंड्स यानी 5 मिनट्स में देना होगा। रैंडमली पिक्ड क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम करेक्ट आंसर आपको देना है एट द मिनिमम टाइम। क्विज जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में कंडक्ट किया जा रहा है, तो आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंग्लिश हिंदी जो भी हो उस तरह से आप अपना चूज करके इसमें आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एक इंडिविजुअल एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 14 साल या उससे ज़्यादा के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास MyGov की आईडी होनी चाहिए। अगर आईडी नहीं बनाया तो पहले वो बना लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो इसमें जो top 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से। मेरिट एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होगा ये, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे उन्हें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइड से। तो आप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही, अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो यहाँ आपको क्विज खेलने के लिए इसके वेबसाइट पर आना है, MyGov क्विज की वेबसाइट पे। इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आप आइएगा तो आपको लॉगिन टू प्ले क्विज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर अपनी आईडी लॉगिन करने के लिए आएगी। MyGov की आईडी आपको लॉगिन करनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्ट क्विज का ऑप्शन आ जाता है। स्टार्ट क्विज पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्विज स्टार्ट हो जाती है। क्विज खत्म होने के बाद आपको लास्ट में डाउनलोड सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आप अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको अपना स्कोर भी शो हो जाता है, लेकिन वो स्कोर अभी नहीं शो होगा, जब ये क्विज ख़त्म हो जाएगी यानी 25th October के बाद आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है 100% में, तो वो आपकी परसेंटेज वहाँ पे आ जाती है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि MyGov की क्विज कैसे खेली जाती है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। और एक और बात, बहुत लोग यहाँ रिजल्ट के बारे में पूछते हैं कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि MyGov की जितने भी कॉन्टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे वो क्विज हो चाहे और कोई कॉन्टेस्ट, तो उसकी जो रिजल्ट्स है वो MyGov ब्लॉग पे ही आती है। उस पर भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको चेक करना है तो वो जा करके देख सकते हैं वो वीडियो, और वहाँ से जान सकते हैं कि कैसे रिजल्ट चेक किए जाते हैं। साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सैम्पल बना दूँ इस क्विज पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ज़रूर इस पर एक सैम्पल लेते आऊँगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ में अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते रहती हूँ। साथ में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।